गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक न्यू गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है सागा ऑफ सर्वाइवल। ये गेम मैंने पहले भी खेली है और मैंने जब ये गेम डाउनलोड किया तो मैंने इसके बहुत सारे मतलब किए, जैसे कि मैंने दो चेस्ट बनाई, मैंने बहुत सारी अपग्रेडेशन की, जैसे कि मैंने टैनरी बनाया जिससे इसका नाम टैनरी है, जिससे हम लोग एक एम्प्टी वाटर का वो सोर्स हो, मतलब होता है ना खाली बॉटल जैसी चीज़, वो बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक फील्ड है, टाइटल फील्ड जिसे कहते हैं हम। यहाँ पे मैंने अभी टर्निप लगाया, मैं आपको बताऊँगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा देख, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग है जिससे हम लोग अपना वाटर फिल कर सकते हैं, जो टैनरी से हम लोग एम्प्टी वाटर का वो बना सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको फिल कर सकते हैं। यह हमारा कैंप फायर है जहाँ से हम लोग गेम सूप, टर्निप सूप बना सकते हैं और हम लोग बना सकते हैं बेरी टी। और ये दोनों भी अनलॉक है क्योंकि मैंने लेवल अप नहीं किया, मेरा अभी लेवल 11 है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या क्वेस्ट कंप्लीट हुआ, 30 मिनट। यहाँ पे मैंने और भी मतलब यहाँ पे हमारा मिशंस है, यहाँ हमारा मिशंस है जिससे हम लोग लेवल्स बढ़ा सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे हमारा एक हथौड़ा पड़ा, आप लोग देख रहे हैं यहाँ, ये इस वाले के इधर में, यहाँ पे हम लोग अपना क्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे लेवल्स चाहिए होते हैं जिससे हम लोग नए नए चीज़ क्राफ्ट कर पाएंगे। अभी हम लोग ये वाला क्राफ्ट करेंगे, कारपेंटर बेंच। इसके लिए हमें 6 रोप चाहिए। गाइस, ये एक जगह है जहाँ पे मैंने, यहाँ पे मैं आया था, मतलब होता है ना एक न्यू गेम चालू किए तो स्पॉन हुए। यहाँ पे आप लोग ये लाशें देख रहे हैं, ये मैंने ही मारी हैं। यहाँ पे मैंने पूरा खाली कर दिया इस एरिया को, पूरा खाली मतलब पूरा क्लीन, जैसे होता नहीं है पेड़ उड़ लगे हुए थे, घास फीस थी, तो मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया है, पूरा सपाट है। यहाँ पे मैंने अपना इस पिक के अंदर थोड़ा सा वो रख रखा है सामान, और मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा फील्ड है जिससे मैंने टर्निप लगा रखे हैं अभी, ये हमारी कैंपर है और ये हमारी है सिग्नल फायर इसे कहते हैं। सिग्नल फायर में क्या होता है, जैसे एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे भी मेरा सामान रखा हुआ है, एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये बाउंड्री देख रहे हैं आप, इसके बाहर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा आएगा, देखिए जहाँ पे दिखा रहा है वर्ल्ड मैप, यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी कहाँ भी जा सकते हैं, कहीं पे भी, जैसे यहाँ 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 जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो जो सिग्नल फायर है वो, जैसे ये देखिए यहाँ पे डेंजरस, यहाँ लिखा है दिस लोकेशन इज़ डेंजरस, है ना, तो दिखा रहा है सिग्नल फायर लेवल 3। मतलब सिग्नल फायर जब हम लोग उसका लेवल अप करेंगे तब हम लोग इस डेंजरस लोकेशन पर जा सकते हैं, ऐसे हम लोग नहीं जा पाएंगे। तो सिग्नल फायर ऐसा काम करता है, और मैंने उसका लेवल 2 कर दिया था क्योंकि मेरा मिशन था कि लेवल 2 करो सिग्नल फायर को। तो अभी हमें ये कारपेंटर बेंच बनाने के लिए रोप चाहिए, वुड है मेरे पास और आयरन ओर भी है। उसके लिए हमें पहले रोप के लिए हमें पहले लूम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें लेवल 12 चाहिए, और मैं अभी लेवल 11 पे हूँ। तो मैंने सोचा है कि ये जो टाइटल फील्ड है इसको अपग्रेड कर देते हैं। मैंने सबका लेवल अपग्रेड कर दिया, जैसे इसका लेवल 3 है, इसका लेवल 3 है, इसका लेवल 2 ही रखा है मैंने अभी, क्योंकि इसके लिए प्लैंक्स चाहिए, पाइन प्लैंक्स, जो कि कारपेंटर बेंच से बनती है। तो अभी कारपेंटर बेंच हम बना सकते हैं क्योंकि हमने पहले बनाना है लूम, जिसके लिए हमें चाहिए लेवल 12। मैंने टैनरी का भी बना रखा है लेवल 2, और इसका मैंने कर रखा है लेवल 3, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मेरे को इसका और एक लेवल बढ़ाने के लिए मेरे को इस वाले पर जाना पड़ेगा जो अनलॉक है अपग्रेड। यहाँ पे हमें दिखा देगा कि अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए। तो अभी मैंने ये टर्निप लगाया है कि ये उगे और मैं इसे लूँ, जैसे कि अभी मैं ले लेता हूँ ये, अभी एक और होगा तो हो जाएगा।
मेरा एक मिशन हो गया गाइस, मेरा मिशन था कि क्राफ्ट टर्निप इनटू फाइव, मतलब पांच टर्निप मेरे को क्राफ्ट करने थे, और मेरे को रोप भी क्राफ्ट करनी है गाइस, थ्री रोप मेरे को क्राफ्ट करनी है, मैं वो भी कर दूंगा। और हमें कारपेंटर बेंच जो है ना गाइस, यही हमारी एक वो है, क्या बोलते हैं, कट, देखिए यहाँ लिखा भी है कट लॉग्स इनटू प्लैंक और रिपेयर आर्मर एंड वेपन्स। मैं आपको चेस्ट भी दिखा देता हूँ, मैं मिशन पे गया था, मतलब मैंने गेम खेली है, मिशन पे गया था तो ये सब मेरे पास सामान अभी है, यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। ये वो सामान है जिससे हम लोग अपना टाइटल फील्ड को अपग्रेड कर पाएंगे। देखिए 19, अभी हमारे पास टाइटल फील्ड को अपग्रेड करने के लिए हमें चाहिए 20, जो कि 20 टर्निप चाहिए, और 20 टर्निप के लिए मैंने एक लगा रखा है जिससे हमें दो मिलेंगे और हम लोग इसे अपग्रेड कर पाएंगे। मैंने यहाँ पे सारा सामान रख दिया है, जैसे कि वहाँ पे हमें किले चाहिए, ये वाटर, फुल वाटर स्किन चाहिए, टर्निप चाहिए, और क्या चाहिए, और हमें चाहिए ये भी है मेरे पास, फ्लैग लेनर भी है मेरे पास गाइस, जो लूम से बनती है, अभी लूम बनाएंगे तो हम लोग ये भी बना लेंगे। 18 चाहिए मेरे पास, 20 पड़ी है गाइस, दिखाऊं आपको, देखिए इसमें नहीं, एक्चुअली गाइस हम लोग इसमें भी सामान रख सकते हैं अपना, देखिए 20 पड़ी है मेरे पास, इसे भी हम यहाँ पे रख देते हैं, रश हटाओ। और वो जो सामान हमें चाहिए इसे हम ऊपर रख देंगे, जैसे कि ये, और इसे मैं नीचे ले आऊँगा, ये है हमारे ऊपर के सामान, हमें इसको अपग्रेड करने के लिए चाहिए। अब मैं बोल, अब आप लोग पूछ रहे होंगे मैं अपग्रेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपग्रेड करने से हमारे लेवल्स और बढ़ते। देखिए अभी मेरे पास लेवल्स थोड़ा सा ही बाकी है, इसको फुल करूँगा, और हमें बनानी है फिर लूम, ये लूम, लूम के लिए हमें चाहिए 10, 8, 4 और एक लेदर, मेरे पास एक लेदर है, 4 ये भी है मेरे पास, एक सेकंड, मेरे पास और नहीं है स्टोन, मेरे पास स्टोन, मेरे पास स्टोन नहीं है, एक सेकंड, मेरे पास स्टोन कैसे नहीं है भाई, स्टोन है मेरे पास, इसमें भी नहीं है, एक सेकंड, उस दो लाश, मतलब उस दो के पास चलते हैं, कहीं तो मैंने स्टोन रखा था गाइस, मेरे पास स्टोन सही में नहीं है, कोई बात नहीं हम लोग स्टोन ले लें। ये हमारे हॉर्स के लिए है, हम लोग को अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमें हॉर्स को वो करना होगा, सो इसीलिए, एक सेकंड गाइस, ठीक है, तो हमारे पास स्टोन नहीं है तो गाइस अभी हमें स्टोन लेने जाना पड़ेगा, अभी हम स्टोन लेने जाएंगे तो फिर हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे अपना। जैसे गाइस ये पाइन ग्रूव्स है, पाइन ग्रूव में 1 है तो इसका मतलब ज़्यादा खतरनाक नहीं है। स्टोन रिड्ज में थोड़ा सा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और हाफ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं 1 और हाफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए कर्स्ड फॉरेस्ट, दिस लोकेशन इज ऑल्सो डेंजरस, ऑल्सो नहीं लिखा है मतलब डेंजरस। यहाँ पे हमें इतनी सारी लूट मिलेगी, पॉसिबल लूट्स, और इसके लिए हमें चाहिए सिग्नल फायर लेवल 3, वो हमें उसका लेवल 3 करना पड़ेगा तब जाके हम लोग यहाँ आ पाएंगे। और अगर हमें दूर दूर तक ट्रैवल करना है ना गाइस, देखिए अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी पहले इंटर कर लेते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सिर्फ गाइस स्टोन लेने आए हैं, और ये जो हाथ में अपने वेपन देख रहा हूँ ना, ये इतना पावरफुल है, हमें झुक झुक के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे
ऐसे फ्रॉग उग रहते हैं जो हमें मारेंगे। इसको जल्दी से खो दो, जल्दी भाग। अरे ऑटो जल्दी कर, जल्दी भाग भाग। क्या दिया है? कोई नहीं गैस, हमें इतना ही लेना था। एक मकड़ी रानी, मकड़ी मकड़ी मार 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 मार, गई गई। सूर अभी आ गया, भागो 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 भागो। मैं तो ऐसे ही मार रहा था, आ जा तू, आ जा ये ले। गाइस ये इतनी पावरफुल है कि मैं क्या बताऊँ। ये हमें चाहिए, क्या नाम है, प्लेट, पेल्ट, पेल्ट भी चाहिए गाइस हमें लूम बनाने के लिए। और ये क्या दी है, ये क्या है, स्पाइडर वेनम यूज टू प्रोड्यूस ऑयल। ले लेते हैं, क्या करेंगे रख के। चलिए गाइस हमारे पास 9 हो गया है, चलते हैं अभी। हमें दूर एकदम पानी के दूर तक ट्रेवल करने के लिए हमें, जैसे कि हमें जाना है, अगर हम लोग, हमें यहाँ जाना है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, रुकिए। जैसे हमें जानना है, यहाँ वाले पाइन ग्रुप्स में, तो देखिए, दिस लोकेशन इज टू फार, ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड, ट्रांसपोर्ट। और अगर हमें चाहिए ड्रैगन के लिए, तो ड्रैगन के लिए हम लोग यहाँ आएंगे, रिक्वायर्ड ड्रैगन, ड्रैगन। और दूर, सबसे ज़्यादा दूर, मतलब सबसे ज़्यादा बोल रहे, थोड़ा सा दूर जाने के लिए हमें चाहिए हॉर्स। तो अभी हमें गाइस ये हो चुका होगा हमारा, नहीं हुआ है, 14 मिनट्स और लगेंगे। कोई बात नहीं, हम लोग स्टोन ले आए हैं। हमें एक सेकेंड, लूम के लिए हम लोग स्टोन ले आए गाइस, और वुड, और ये क्या है, चीज़ क्लॉथ। आई थिंक गाइस मेरे पास चीज़ क्लॉथ होना चाहिए। ये रहा है, 8 है। अच्छा गाइस, ये आप लोग मेरे सिर के, मतलब कैरेक्टर के ऊपर ये देख रहे हैं, आई का सिंबल, ये मेरे को नींद आने के लिए है। और ये इम्पोर्टेंट, मैंने, हम लोग अपने चेस्ट का नाम भी रख सकते हैं। और ये वाला जो है ना गाइस, पोशन ऑफ मारा, इसे हम यहाँ स्प्रिंग से भी क्राफ्ट कर सकते हैं। देखिए हमें ये एक चाहिए और एक बेरी। इससे क्या होगा कि ये जो नींद है ना हमारी, ये -35 हो जाएगी। देखिए अभी 62 है, या 27 हो गई गाइस। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब इसको एकदम संभाल के रख देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग के लिए। यहाँ पे मैंने अपने टूल्स वगैरह रखे हैं जो कि एकदम लो हेल्थ पे हैं। हम लोग जब अपने कारपेंटर बेंच बनाएंगे तो हम लोग इसको रिपेयर कर पाएंगे। ये 12 मिनट और, हाँ 12 मिनट के लिए हम लोग क्या करेगा गाइस, गाइस गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, देख सेकेंड, कारपेंटर बेंच इज रिक्वायर्ड। अच्छा कारपेंटर बेंच के लिए हमें 6 रोप चाहिए, 3 आयरन और चाहिए, 3 आयरन और, आयरन और है गाइस मेरे पास। अभी हम लोग पाइन ग्रुप गए थे ना, वहाँ पे स्टोन राइज था, यहाँ से हमें वो मिलता है, आयरन ओर और क्ले। गाइस अभी आपने मेरा क्ले देखा होगा, यहाँ क्ले यूज़ फॉर क्राफ्टिंग स्कैवेंज वाइल एक्सप्लोरिंग लोकेशन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिपॉजिट्स विद अ पिकैक्स। नहीं पता मतलब, छोड़िए। अभी अभी हम लोग यहाँ पे इसके पास जाते हैं, यहाँ पे एक एरो दिखा रहा है। यहाँ आप लोग पूछ रहे होंगे ये क्या है, ये है हमारा जो हमें डील देगा कि इतने में हम आपको ये और ये प्रोवाइड करेंगे, और ये भी और ये भी। मेरे को नहीं पता इसका मतलब क्या है। मैंने इससे ये लिया था, ये वाला जो आप टिक देख रहे हो नीचे की ओर, तभी मेरे हाथ में ये वाली आई है, नंबर, मतलब 1 स्टार भी है इस पर। पता नहीं कैसे क्राफ्ट होते, क्राफ्ट में देखे
जैसे हमें ये भी हैंड स्पीयर भी क्राफ्ट करना है, और भी हम लोग लेवल्स बढ़ते जाएंगे तो हमें और नई नई चीज़ें मिलेंगी। भाई साहब लोडस्टोन के लिए कितना कुछ चाहिए, और ये लॉकस्मिथ टेबल, इसके लिए सारा सामान है गाइस मेरे पास, पता है। सिर्फ कारपेंटर बेंच चाहिए और लेवल, इट्स सिंपल। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, यहाँ। इसके लिए 12 मिनट, अच्छा एक आ गया गाइस, हो गया काम, गाइस काम हो गया। हमारे पास 19 का 19 आ गया, 20 ये भी, और आई थिंक हो गया। हाँ अब हम लोग इसको अपग्रेड कर देते गाइस, ये डाला और ये डाला, लेट्स गो गाइस, हमारा लेवल अप, लेट्स गो गाइस, हमारा लेवल अप हो गया, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे और भी है कि कस्टक्ड लूम वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम फाइनली अपने लूम बना सकते हैं गाइस, यस। अब हमें लूम बनानी है, वुड चाहिए, आई थिंक मेरे पास वुड पड़ी है, टेल मी मेरे पास वुड पड़ी है गाइस, है वुड गाइस, सारा सामान था मेरे पास, पता भी है आपको। एक काम करते हैं, जो चेस्ट है ना इसे यहाँ रखते हैं, नहीं इसको ना यहीं रख दो ठीक रहेगा, क्राफ्ट यहीं ठीक है, हाँ तो ठीक है, यहीं ठीक है। अब हम लोग अपने लिए लूम बनाएंगे, लूम क्राफ्ट, सोचना उचना कुछ नहीं, बस क्राफ्ट करो। लूम हैज़ बीन क्राफ्टेड, अब फर्नीचर में हम लोग जाएंगे, लूम को यहाँ लगाएंगे। अब हम लोग गाइस अपने लिए बनाएंगे क्या, रोप, अब हमें बनानी है रोप। हाँ दो रोप तो बन जाएगी, कारपेंटर बेंच के लिए हमें 6 रोप की ज़रूरत है, 6 रोप भाई साहब, 6 रोप, 6 रोप तो बड़ा वो हम। अच्छा इसके लिए एक एनिमल फैट भी चाहिए, जब हमें मेरे पास रोप पड़ी है, नहीं मेरे पास रोप नहीं है, तो हमें 6 एनिमल फैट चाहिए और 6 × 24 रशेस चाहिए, मेरे पास 8 पड़ी है, 24। एक काम करते हैं इस पर, अरे इसको हटाओ भाई, ये नहीं हटेगा क्या, मुझे ये लगानी है ग्रो करने के लिए। तब तक गाइस हम लोग वुड वुड ले आते, थोड़ा ले आएंगे फिर। 7 मिनट, अरे मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल 8, बस हो गया और नहीं होता। अब हमें लगानी है ये, अब गाइस हम लोग आएंगे तो ये थोड़ी सी उग चुकी होगी, तब तक हम लोग करते हैं ये किया, हैवी लाइनर और ये हैवी क्लोथ, ये फ्लैक्स लाइनर ऐसा ही कुछ। अब हमें रोप के लिए 4 24 और 6 एनिमल फैट चाहिए, मेरे पास 3 पड़े हैं, 3 है मेरे पास, आई थिंक और भी होना चाहिए, और तो नहीं है आई थिंक, नहीं है। तो अभी हम एक मिशन पे जा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक टू मी ओनली। ये बहुत डैमेज है बट इसको निकाल देते हैं, क्या करें, पहन ले क्या, कर लेते एक बार, क्या करें यहाँ पे। ओके ओके ओके, अभी हम लोग एक मिशन पे निकल चुके हैं, यहाँ पे चलते स्टोन रिज में। तो
गाइज अब हम लोग इस चीज़ को करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तो अब तक के लिए यहीं पे रहता हूँ। तो गाइज टेक केयर एवरीबॉडी, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी गेम्स के लिए और सजेस्ट करते रहिए। टेक केयर एंड एवरीबॉडी, बाय बाय।